नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं कि सपने में वकील को देखना यानी एडवोकेट को देखना क्या फल लेके आता है आपके आने वाले जीवन के लिए, भगवान आपको क्या संकेत देना चाहते हैं इस सपने के माध्यम से। ये सब जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक, ताकि आपको भी पता चल सके कि आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, आखिर ये सपना आपको क्यों आया है, कैसा फल ये आपको देने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता दें, सपने में वकील देखना कई अवस्थाओं में शुभ माना जाता है, कई अवस्थाओं में अशुभ भी माना जाता है। तो सबसे पहले सपने में जो वकील देखना है ये अच्छा सपना नहीं माना जाता है। सिंपली यदि आपने लॉयर को देखा है चलते फिरते खड़े, कैसे भी आपने सपने में सिर्फ देखा है, तो ये एक अशुभ सपना है। ऐसा माना जाता है हमारे हिंदू धर्म के अनुसार कि यदि आप सपने में वकील को देखते हैं तो फिर आपके आने वाले जीवन में बहुत बड़ी बड़ी जो समस्याएं हैं वो आने वाली हैं। जो प्रॉब्लम्स आपने कभी इमेजिन भी नहीं की होंगी, जो कभी सोची भी नहीं होंगी, वैसी प्रॉब्लम्स जो हैं आपको घेरने वाली हैं और आप लाइफ में बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो सकते हैं, जिससे कि आपको बचने की कोशिश करनी है यदि आपको ऐसा सपना आता है। हम आपको इस वीडियो के एंड में एक उपाय बताएंगे जो कि बहुत ईजी आपको कर लेना चाहिए यदि आपने सपने में वकील को देखा है। इससे आपके जो सपने का बुरा प्रभाव है वो डेफिनेटली कम हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला है, यदि आपने सपने में कोर्ट के अंदर वकील को देखा है, और ये सपना जो है हमारे हिंदू धर्म में शुभ माना जाता है, बहुत ही अच्छा सपना माना जाता है। इसका अर्थ होता है कि आपने जो भी कहीं नया काम शुरू किया है या आप कुछ नया काम शुरू करने वाले हैं, सोच भी रहे हैं, तो आप जल्दी से जल्दी वो काम शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपको आपके काम में जो है सफलता मिलने वाली है यदि आपने सपने में वकील को देखा है। तो फिर ये बहुत अच्छा सपना है, 110% भगवान आपको ये संकेत देना चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द अपना काम शुरू करें, जो भी आपने सोचा हुआ है इसमें आपको सफलता मिलने वाली है, आप आसमान छूएंगे। उसके बाद दोस्तों अगला है, सपने में खुद को वकील के रूप में देखना। दोस्तों ये सपना जो है बहुत अच्छा सपना माना जाता है, एक इंडिकेशन ड्रीम माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ऐसा सपना जब आपको भगवान देते हैं तो वो आपको ये संकेत देते हैं कि आप एक बहुत भले आदमी हैं, बहुत भले इंसान हैं, लेकिन आपको कई सिचुएशंस में जो है खुद के लिए लड़ना पड़ेगा, और भगवान आपको ये बताना चाहते हैं कि खुद के लिए लड़ो, मेहनत करो, कभी भी किसी के लिए इतना ज़्यादा आप ऐसे मत हो जाओ कि सैक्रिफाइजेस ही मत करते रहो लाइफ में। कई बार क्या होता है कि कुछ लोग जो हैं वो हमारा फ़ायदा उठाना चाहते हैं और वो हमारे जो सामने हैं बहुत भोले भाले बन जाते हैं कि हमारी हेल्प करो। आप हमेशा ऐसे इंसान हैं कि आप दूसरों की हेल्प करते हो, अपने बारे में नहीं सोचते हो, और वही अगर आप सपने में खुद को एक वकील के रूप में देखते हैं तो भगवान आपको 110% यही बताना चाहते हैं कि अपने आप के लिए लड़ो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए लड़ो, अपने मतलब जो आपके राइट्स हैं उनके लिए लड़ो, हमेशा आप जो है सैक्रिफाइजेज ही मत करते रह जाना लाइफ में। उसके बाद दोस्तों अगला है, यदि आप सपने में देखते हैं कि वकील आपका केस लड़ रहा है, कोई लॉयर है वो आपका केस लड़ रहा है, तो दोस्तों ये सपना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि आपको अपने आने वाले जीवन में आपके परिवार का भरपूर साथ मिलने वाला है, अपनी फैमिली से मतलब कोई अगर आप प्रॉब्लम में फंस गए हैं तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। और कई बार क्या होता है कि हम जब प्रॉब्लम में होते हैं हम डरे हुए होते हैं और हम अपनी फैमिली को बिल्कुल नहीं बता पाते हैं कि वो कहीं हर्ट ना हो जाएं या कहीं टेंशन में ना आ जाएं एकदम से, या हमें कुछ मतलब उल्टा सीधा हमारे बारे में वो सोच ना लें। अगर आपको ऐसा सपना आ जाता है कि आप सपने में जो है वकील आपका केस लड़ रहा है, तो ये सपना आपको फिर ये बताना चाहता है कि कुछ भी अगर प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही है, कुछ मुसीबत आपकी लाइफ में चल रही है, तो उसको अपने परिवार के साथ बैठ के शेयर करें, उनको बताएं कि मेरी लाइफ में ऐसी ऐसी बात हुई है और मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है, और आपको जो है अपने परिवार का साथ मिलेगा। यकीनन आपको ऐसा सपना देखने के बाद उनका साथ मिलेगा। आप बिल्कुल भी मत घबराइए, अकेले किसी भी प्रॉब्लम्स में मत कूदिए। जब भी हम वीक पड़ते हैं या कभी भी हम किसी भी काम में हारने लग जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो साथ है वो हमें अपने परिवार का चाहिए होता है। तो आपको भगवान ये संकेत देना चाहते हैं कि आप टेंशन मत लीजिए, अगर आप हार भी रहे हैं, कोई मुसीबत आपकी लाइफ में है भी, तो आपके परिवार जो है वो आपके साथ रहेगा और आप सब मिलके जो है उस प्रॉब्लम को ओवरकम कर लोगे। बस आपको क्या करना है कि कोई भी प्रॉब्लम अपने फैमिली से डेफिनेटली आपको शेयर करना है।
उसके बाद दोस्तों अगला है, यदि आप खुद को सपने में वकील के साथ लड़ाई करते हुए देखते हैं तो ये सपना अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि आप कुछ भी कर लीजिए, अगर आपका कहीं कोई केस भी चल रहा है, कोई लीगल केस भी चल रहा है आपका, या किसी के साथ नॉर्मल फाइट भी चल रही है यूजुअल लाइफ में, तो फिर आप उस फाइट को हारने वाले हैं, आपको नुकसान होगा उस लड़ाई से। आप जितनी जल्दी हो सकता है उस लड़ाई से विड्रॉ कर लीजिए, आप बिल्कुल भी लड़ाई को आगे मत बढ़ाइए, क्योंकि अगर आपको सपना आ गया कि आप वकील के साथ फाइट कर रहे हैं तो फिर ये एक इंडिकेशन है कि आप हारेंगे, हर हाल में आप हारेंगे, ये भगवान आपको पहले ही आगाह कर रहे हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो भी सपने के बुरे प्रभाव हैं उन्हें दूर करने के लिए हम आखिर में आपको उपाय बताएंगे, सरल सा आपको वो करना चाहिए। दोस्तों आपको क्या करना है, शनि देव के मंदिर जाके हर शनिवार लगातार 7 शनिवार जब भी आपने ऐसा सपना देखा है बुरा, उसके बाद आपको सरसों का तेल जो है वो शनिदेव के चरणों में चढ़ाना है। यकीनन आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो जाएंगी, सपने का जो भी बैड इफेक्ट है वो दूर हो जाएगा और आप एक हैप्पी लाइफ जो है लीड कर सकते हैं। और जो भी सपने के जरिए आपको इंडिकेशंस मिली हैं, आप उन इंडिकेशंस पे खड़े रहिए, आपका भला होगा। दोस्तों यही थी मेरी आज की वीडियो, अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई और डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल, और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।